नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और आपके साथ मैं हूं दीप तारियन। बात करेंगे हम राजद पार्टी की। राजद लोकसभा चुनाव में इस बार शून्य सीट पर सिमट गई है, कोई भी सीट उन्हें नहीं मिला है। तेजस्वी यादव जो हैं, जो आलाकमान है राजद के, वो गायब रहे। 28 दिन से एक महीना वो गायब थे। चमकी बुखार जैसा एक इंसिडेंस बिहार में हो जाता है, उसके बाद भी वो गायब रहते हैं। अभी जो कार्यकारिणी सदस्य की बैठक हुई थी राजद की, उसमें शिवानंद तिवारी ने कसकर फटकारा है तेजस्वी को और कहा है कि अगर पार्टी नहीं संभल रही है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ तेज प्रताप जो है वो भी रिवोल्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राजद जो है वो चरमरा गई है। क्या भविष्य है राजद का, इसके बारे में हम बात करेंगे लोगों से, पटना की जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या भविष्य है राजद का बिहार में। राजद में क्या चल रहा है, बिहार के राजद जो पार्टी है उसमें क्या क्या भविष्य है राजद का? राजद का अभी तो भविष्य समाप्त होते नजर दिख रहा है, क्योंकि जो विपक्ष का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, से बिहार में जो इनका करारी हार हुआ उसके बाद से ही लापता है। इनको ये भी पता नहीं है कि मेरा पार्टी में क्या सब चल रहा है, नहीं तो इनको तो अपना सहयोगी दल कांग्रेस से इनको सबक लेते हुए, जैसे राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया उस तरह से इनको भी अपना इस्तीफा देना चाहिए और दूसरे को मौका देना चाहिए ताकि पार्टी फिर से मजबूत हो सके और 2020 में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ये बताइए कि इतने सीनियर लीडर हैं राजद में जी, फिर तेजस्वी क्यों? ये अपना लालू जी पारिवारिक पार्टी बनाए हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि मेरा खानदान का है तो इसलिए खानदानी का ही बैठेगा, नहीं तो लालू जी की बहुत बड़ी मूर्खता है जिसके लेकर के लालू जी ऐसा डिसीजन लिए। नहीं तो इनके पार्टी में काफ़ी सीनियर नेता लोग बैठे हुए हैं जिनको किन्होंने मौका नहीं दिया जी। अच्छा ये बताइए कि आने वाला जो 2020 का विधानसभा चुनाव है, इसमें आप किसको चेहरा बनते देख रहे हैं राजद पार्टी की तरफ से? राजद पार्टी की तरफ से तो फिलहाल कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है ऐसा कि जिस पर कि आदमी विश्वास किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद है। ये परिवार छोड़ करके किसी दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि इनको दोबारा सत्ता में आना नामुमकिन है। तेजस्वी को तो आना ही नहीं चाहिए, तेजस्वी को आना ही नहीं चाहिए, वो किसी लायक ही नहीं है। फिर 2015 का चुनाव, तो जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा गया और पार्टी जीती भी, तो फिर भी कह सकते हैं आप, कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी जो है वो उनको उनके पापा के बल पे? इनका बना हुआ क्या है, ये किस लेवल के हैं, ये सारा चीज परछाई जो है उनके पिताजी का। तो मतलब लालू यादव नहीं तो राजद नहीं, लालू यादव नहीं तो राजद नहीं। तो क्या भविष्य आप देख रहे हैं राजद का आने वाले 2020 का जो विधानसभा है उसमें? कुछ नहीं, कोई भविष्य नहीं है। तो क्या फिर से नीतीश कुमार आपको मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं है। तब फिर क्या अल्टरनेटिव है भी? हम लोग किसी अगले पार्टी को देखना चाह रहे हैं, अगर कोई पार्टी होगा नया वो आएगा तो हम। अच्छा, तो आप नया कुछ मतलब पॉलिटिक्स में आना चाहिए? हाँ, नया कुछ पॉलिटिक्स में आना। नीतीश कुमार भी नहीं? नीतीश कुमार भी नहीं। राजद में कोई ऐसा चेहरा नहीं है? कोई ऐसा चेहरा नहीं है। तेज प्रताप तेजस्वी कोई नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं। लीडर जो है वो लोग? कोई नहीं, कोई नहीं। राजद का क्या भविष्य बिहार में देख रहे हैं? राजद का अभी तो भविष्य यही है, डूबती नैया बन चुकी है, जैसे टाइटैनिक जहाज था उसी तरह से डूब रहा है। चूंकि लालू जी मेन इसके चेहरा थे, वो सभी समुदाय और सभी जातियों को लेकर चलते थे, भले वो अगड़े पीछे की लड़ाई लड़े लेकिन सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन अभी तो जो एक उनपे जो दोषारोपण किया जाता है कि जो अगड़ी जातियां हैं, जो ऊंच जातियां हैं, उसका खिलाफत करते थे लालू यादव, उसके बारे में? खिलाफत तो करते थे, आपस में लड़वाने का काम करते थे, चूंकि उनका वोट कम था और उसके अपोजिट पार्टी का वोट ज्यादा था, तो इसके बल पे इन्होंने इतना दिन तक राज किया। फिर भी पार्टी को वो ले करके चलते थे, सभी जातियों को साथ लेकर चलते थे, सभी समूह का इनको समर्थन प्राप्त था। लेकिन अभी तेजस्वी के पास ना वैसा योग्यता है और उसमें जो योग्य लोग हैं, जैसे रघुवंश बाबू हैं, उनको अगर आगे चेहरा किया जाए तो शायद कुछ बात बने। अच्छा, तो कर सकता है। हाँ, तो शायद थोड़ा सा वापसी हो सकता है, राजनीति और क्रिकेट में वापसी हो सकती है। लेकिन अभी तक इनका जो संगठन का स्थिति है और जो नेताओं का स्थिति है, तेजस्वी गायब हैं, तेज प्रताप का अलग नाटक है, एक ही जगह से दोनों भाई अलग अलग सीट दे रहे हैं, तो ऐसे हालत में कहीं नहीं दिख रहा है कि ये वापसी कर सकते हैं। शिवानंद तिवारी, अभी जो कार्यकारिणी सदस्य का बैठक हुआ था होटल मौर्य में, वहां पर शिवानंद तिवारी ने काफी फटकार लगाया, इनडायरेक्टली ही बोला कि तेजस्वी से अगर नहीं चल रहा है तो उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए, किसी और कमान दे देना चाहिए, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, तो अब सब लोग बोलेंगे हारने के बाद तो ऑटोमेटिक है कि आपको जिम्मेवारी लेना चाहिए, जैसे राहुल जी लिए वैसे इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और रही बात शिवानंद तिवारी की, तो वो लालू जी के सिपाह सलार हैं, वो मौका देखकर अपना पाला बदलते रहते हैं, वो अपना बोलते रहेंगे आज अगर ये तेजस्वी सत्ता में आ जाए तो फिर उनका भाषा बदल जाएगा। लेकिन वैसे भी तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए, तभी शायद पार्टी में कुछ जान आ सकती है। 2020 में अगर राजद नहीं तो फिर क्या वापस नीतीश कुमार? देखिए, पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो इनको नहीं सपोर्ट करूंगा, लेकिन हाँ मैं नहीं करूंगा,
क्योंकि ये सिर्फ शहर में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इन्होंने किया है, बाकी जैसे जो समस्याएं जहां थी वहीं के वहीं हैं। पूरा पटना शहर डूब गया है बारिश में, 2-3 दिन की बारिश में पूरा पटना डूब गया है, तो फिर पटना का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ? कुछ नहीं, बस पुल पुलिया बना है, थोड़ा पुल बना है, बापू सभागार बना, 1-2 म्यूजियम बना, अब इसी को ही समझ लिए कि पूरा बिहार का विकास हो गया। बाकी जो 12 करोड़ जनता है उसका क्या होगा, गांव में कभी जाते नहीं, सिर्फ पद यात्रा निकालते हैं, ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन होता कुछ नहीं है। गांव में आज भी जाकर देखें, शौचालय के नाम पर सिर्फ पैसे बंदरबांट हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो फिर 2020 में क्या अल्टरनेटिव है बिहार के लिए, क्या समीकरण बनेगा? अब ये तो जनता ही तय करेगी, समीकरण तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी ही अगर अच्छा से करे और अकेले लड़े तो शायद बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। राजद का क्या भविष्य है बिहार में? भविष्य तो कुछ है ही नहीं सर, भविष्य तो समाप्त हो गया उसका, उसका जो था वो समाप्त हो गया। दो युवा नेता हैं अभी, तेजस्वी और तेज प्रताप, राजद में वो लोग क्या संभाल लेना, कम से कम उनके पिताजी को मुख्यमंत्री थे, आज पढ़ाई पे देख रहे हैं लोग, शिक्षा के प्रति कहता है कि एक गरीब परिवार वो कहता है कि बेटा को पढ़ाना है चाहे खाएं या नहीं खाएं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपने बेटा को क्या शिक्षा दिया? जब शिक्षा देते नॉलेज रहता तब तो कुछ करता, सब तो वही है गोबर गणेश। तो मतलब शिक्षा का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो बड़ा कारण है, थोड़ा बहुत ना, सब वही मेन कारण वही है। लालू प्रसाद हमारे नॉलेज के अनुसार शायद बीए थे, एलएलबी भी हैं वो, एलएलबी हैं, हमको हम मेरे नॉलेज में नहीं था जी। तो अब वो अपने बेटे को क्या पढ़ाए, अगर पढ़ाते शिक्षा मिलती तो नॉलेज बढ़ती, नॉलेज बढ़ती तो कुछ कर पाते, कुछ सोच पाते, नॉलेज ही नहीं तो सोचेंगे क्या? एक गंजेरी और दूसरा को पढ़ा लिखा है ही नहीं तो उसको नॉलेज क्या मिलेगा? तो ये बताइए 2020 में फिर विधानसभा में क्या उम्मीद है, आप जनता हैं क्या उम्मीद करते हैं 2020 के विधानसभा से, कौन अगला मुख्यमंत्री बन रहा है आपका? बीजेपी सरकार आएगी लेकिन उनको ये चाहिए कि नीतीश कुमार को यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, कुछ नया चेहरा आना चाहिए, कुछ नया चेहरा। हाँ, नीतीश कुमार नहीं, नहीं। तो मतलब नीतीश कुमार आप देख रहे हैं कि जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं भले ही राजद से वो खफा है पर नीतीश कुमार को भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार सिंह। दिलीप कुमार सिंह, राजद का क्या भविष्य है बिहार में? राजद का तो भविष्य तो था बनने के लिए मगर बीजेपी वाला लोग खराब कर दिया, ईवीएम मशीन खराब कर, जहां वोट डालिए तो देखिए कि बस लालटेन नहीं आ रहा था, आ रहा कमल, और जितने गरीब लोग आदमी हैं बेचारे भूखे मर रहे हैं, ये सरकार आपका अफसरशाही वाला सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। अगर सेक्रेटरियट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जिंदगी अच्छा है, आज जो रोज कमाने तो कभी काम मिला तो ठीक है, नहीं काम मिला तो पानी के बुलबुला इस आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो नीतीश कुमार का सरकार आपके अनुसार बहुत बुरा है, खराब चल रहा है, तो राजद क्या उसका जगह ले सकता है 2020 में? जी हाँ, ले सकता है। तो राजद में कौन नेता उभर कर आएगा सामने? राजद में तो कराएंगे आपको रामकृपाल नहीं है, अब्दुल बारी सिद्दीकी करवा सकते हैं, रघुवंश बाबू करवा सकते हैं। तो मतलब सीनियर लीडर की तरफ आपका झुकाव? जी हाँ। तेजस्वी यादव नहीं? हाँ, तेजस्वी उसके साथ रहेंगे, साथ में रहेंगे। हाँ। पर नेता नहीं? हाँ, नेता रहेंगे। पर राजद का पार्टी जो है वो तो तेजस्वी को अपना नेता मान लिया है, बोल रहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो तेजस्वी के साथ होना चाहिए। तो आप देखना, आपने देखा कि पटना के जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, यहाँ के क्राउड है, उनका कहना है कि राजद का जो अंदरूनी कला है वो अब सड़क पर आ गया है, जनता जान गया है उस चीज को। 2020 में हो सकता है कि इसका हरजाना भी राजद पार्टी को भरना पड़े। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन राज तिलक के साथ, मैं उदीप तारण, हेडलाइंस बिहार, पटना।